महानगर के हुमायूंपुर स्थित रैनाथ ब्रह्म निःशुल्क शिक्षा सेवा संस्थान के तत्वाधान में रविवार को वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व महापौर सत्या पांडे मुख्य अतिथि रहीं। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत गाकर अतिथियों का स्वागत किया, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस दौरान सत्यार्थ मिश्रा, रजत मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, कार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वप्रथम मैं यहाँ आकर अपनी रोमांचक अनुभूति का आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आज के जो दिग्भ्रमित युवा है उसमें इन्होंने इतना सकारात्मक कार्य शुरू किया है। वो बच्चे जो मुझे कुछ ही नाम पता है, ये लोग एक तारा एक सितारे तैयार कर रहे हैं समाज के लिए। कहीं ना कहीं वो चमकते ही रहेंगे और हमारे भारत का नाम ऊंचा करते रहेंगे। सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर पल हो खुशियों की बहार, इस उम्मीद के साथ भुला के सारी उलझन। जानते हैं हम सभी को कोई न कोई उलझन तो घरों में होती ही है, लेकिन आज इस वक्त इस उम्मीद के साथ भुला के सारी उलझन आज इस आयोजन का सभी करें वेलकम। तो इस मधुर बेला पर मैं सबसे पहले सरस्वती वंदना हो चुकी है तो अतिथि देवो भाव की प्रकृति से हम सभी ओतप्रोत होते हैं। तो जो भी अतिथि आए हैं उनके लिए इन बच्चों ने अपने सुरीले स्वर को दिया है स्वागत गीत के रूप में। तो मैं उन बच्चों को यहाँ पर बुलाना चाहूँगी जो स्वागत गीत लेकर के यहाँ सबके सामने उपस्थित होने के लिए तैयार बैठे हैं। पूजा मौर्य के लिए जोरदार तालियां। इन्हें पाव पाना की नहीं समा, इन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है कि आइए।
संस्था निःशुल्क उन बच्चों को शिक्षा दे रहा है जो कि वास्तव में शिक्षा ग्रहण करने के लिए अर्थ उनके पास नहीं, उनके माता पिता के पास। और उसके बाद अगर बहुत खुशी की बात है कि ये लोग संस्कारवान शिक्षा दे रहे हैं, वो भी निःशुल्क, और देने के साथ जो है ये भी खुद में युवा हैं, बच्चे हैं, और इस पुनीत कार्य में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। और आज बच्चों को पुरस्कृत भी किया जा रहा है, और मैं जब से आई हूँ मैं देख रही हूँ कि ये बच्चे जिनको कि अपने आप ही नृत्य प्रोग्राम को यहाँ कर रहे हैं, जो मंचीय कार्यक्रम है, मैं देखती हूँ कि और विद्यालयों में जाने मैं शिकायत तो नहीं करती, लेकिन वहाँ ऐसा होता है कि फिल्मी गानों के तर्ज पे या ऐसी नाटिका करते रहते हैं जो अक्सर है, लेकिन यहाँ के नाटक जो प्रकृति को बचाने के लिए, और तो और कैसे हम आगे बढ़ें, हम कैसे इस धरती को उपजाऊ भी बनाएं और पूरी तरह से इसको मातृभूमि के प्रति जो इन लोगों का आगाज श्रद्धा और भाव है वो आज प्रदर्शित हुआ मंच के द्वारा। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ इस संस्था का कि इन्होंने इतनी अच्छी संस्था का यहाँ पे रजत जी और उनकी पूरी टीम ने किया, और मुझे आमंत्रित कर इन बच्चों के बीच का सानिध्य दिलाने का जो इन्होंने किया है वास्तव में बहुत ही सराहनीय। मैं इन लोगों का धन्यवाद भी करती हूँ और अपनी शुभकामना देती हूँ कि आप लोगों का ये कार्य वास्तव में बहुत ही ऊंचा कार्य है। आप मार्गदर्शक बनो अन्य संस्थाओं के, आप मार्गदर्शक बनो औरों के को आगे बढ़ाने की व्यवस्था को दिखाने के लिए, और आप मार्गदर्शक बनो देश के भविष्य को संचित कर उसको आगे पथ पर उसको पद पर बढ़ाने में आप कृतसंकल्प हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। और साथ ही मैं आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से इतने अच्छे पुनीत कार्य को, आप बहुत देर से यहाँ पे हैं, आप इस अच्छे कार्यक्रम को और दर्शकों के सामने प्रोत्साहन स्वरूप प्रस्तुत करेंगे, वास्तव में ये भी तो एक बहुत सत्कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।